जय भोलेनाथ जी की। आज आपको एशिया की दूसरी व विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नीलकंठ महादेव प्रतिमा के दर्शन करवाते हैं। चूरू से 12 किलोमीटर दूरी पर बिसाऊ में है। चूरू और झुंझुनू की सीमा पर स्थित 132 फीट शिव की प्रतिमा लोगों के श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। मंदिर के परिसर में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसके अलावा नवग्रह और अष्ट विनायक भी है। प्रतिमा के सामने जल के बीच शिवलिंग स्थापित है। इसमें रात के समय फवारे से 4 चांद लगा देते हैं। प्रतिमा का निर्माण महावीर प्रसाद जटिया ने वर्ष 2011 में करवाया। मूर्तिकार मातुराम पिलानी को इसे बनाने में करीबन 2.5 साल का समय लगा। यह अष्ट धातु और आरसीसी में बनी 132 फीट प्रतिमा बहुत ही सुंदर है। और इस शिवलिंग के चारों तरफ पानी बहुत ही शानदार लगता है और यहाँ पे फव्वारा भी सेट है। और जब हम इस रास्ते से जाते हैं तो शिव जी का दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं है दोस्तों, जब हम शिव जी की प्रतिमा के ठीक सामने जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। मूर्तिकार मातुराम जी को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बारीकी से इस प्रतिमा को बनाया है। एक एक चीज़ ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार बनाया है। मैं आपको एक बार पूरी मूर्ति का मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ, महादेव का बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। और यहाँ पर मौली बांधने से समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होती है, इस टाइप से यहाँ पर मानते हैं। और दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं, जैसे मूर्ति के हम सामने खड़े होते हैं प्रतिमा के सामने, तो उन दोनों साइड में, राइट साइड में यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है और लेफ्ट साइड में अष्ट विनायक है। तो मैं दोनों के आपको दर्शन करवाऊँगा। जब हम इस परिसर में एंटर करते हैं तो नवग्रह का दर्शन करने को मिलते हैं।
इसी परिसर में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, उनके भी मैं आपको एक एक दर्शन करवा देता हूँ, और इनका जो नेम लिखा हुआ है वो भी मैं आपको रीड करवा देता हूँ। और ये जो बताई आकृति जो दी गई है, जहाँ जहाँ पे ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है, सेम उसी आकृति की यहाँ पे भी बना हुआ है। और यहाँ के दर्शन करने के बाद में जैसे हम बाहर एंटर होते हैं, भोलेनाथ के दर्शन सामने आपको करने को मिल जाएंगे, और जैसे दोनों तरफ से निकलते हैं तो भोलेनाथ की जो प्रतिमा है इसके दर्शन करने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं है दोस्तों, 12 किलोमीटर की दूरी से भी इस प्रतिमा के दर्शन करने को आपको मिलते हैं। ये जो सामने है ये अष्टविनायक का है, चलो आपको अष्टविनायक के दर्शन करवाते हैं। और जैसे हम इस परिसर के अंदर एंटर करते हैं तो ये अष्टविनायक के हमें दर्शन करने को मिलेंगे, और इसके साथ में यहाँ पे दो प्रतिमा और लगी हुई है, वैसे तीन प्रतिमा है। एक प्रतिमा है यहाँ पे आपको देखने मिलेगी भैरव जी का दर्शन, और दूसरा मिलेगा आपको काला बालाजी के दर्शन, और बीच में शिव जी की प्रतिमा के आपको दर्शन करने को मिलेगा। तो चलिए दर्शन करते हैं। अच्छी तरीके से दर्शन करवा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखना, और मिलते हैं इसी टाइप के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।